काफी डिलीशियस, काफी कलरफुल। भटूरा फूल गया बड़ा मेरे मुंह के जैसा। इतना रश रहता है कि मुझे खुद को लंच करने का टाइम नहीं मिलता है। पाजी छोले भटूरे, दोस्तों नाम ही इतना यूनिक है और नाम में ही लिखा हुआ है छोले भटूरे, तो आप जान सकते हो आज मैं आया हूँ वाशी नवी मुंबई के अंदर। वाशी स्टेशन के एग्जैक्टली वॉकेबल डिस्टेंस पे सामने ही पाजी छोले भटूरे, जो कि बहुत फेमस है इनके छोले भटूरे के लिए और छोले राइस के लिए। आज मैं आपको बहुत ही अलग सा और बहुत ही फ्रेश सा नाश्ता कराने वाला हूँ। सो अंदर जाते हैं, अंदर क्या सामने ही है, इनके ओनर से बात करते हैं कब से इनका स्टार्ट हुआ था और किस तरह से प्रिपरेशन होती है और क्या स्पेशलिटी इनकी। सो चलते हैं देखते हैं। सो दोस्तों मेरे साथ में यहाँ के ओनर, जानते उनसे कि कितना पुराना है ये शॉप और क्या स्पेशलिटी है। तो सर जी आपका नाम? माय नेम वीरेंद्र सिंह और मैं इस शॉप का ओनर हूँ। मेरी स्पेशलिटी है पाजीज छोले भटूरे। व्हाई आई पुट दिस नेम इज बिकॉज यहाँ पर सब लोग मुझे पाजीज पाजीज करके बुलाते थे एंड पहले ये विदाउट नेम मैं चला रहा था। तो जैसे जैसे कस्टमरों ने मुझे पाजीज का नाम दिया तो मैंने भी अपने शॉप का ये नाम डाल दिया एंड इट इज़ वेरी क्वाइट फेमस हियर। इट इज सिंस लाइक यू कैन से फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स आई एम रनिंग दिस बिजनेस एंड अभी इतना पॉपुलर है कि ये अर्ली मॉर्निंग मैं 8 o'clock को ओपन करता हूँ टिल 5 o'clock। इतना रश रहता है कि मुझे खुद को लंच करने का टाइम नहीं मिलता है जबकि मैं सबको लंच करवाता हूँ। और आज की डेट में अराउंड वाशी स्टेशन में अगर आप ऑल ओवर नवी मुंबई में अगर आप छोले भटूरे के नाम से अगर पहचानेंगे तो हमारा ही नाम पहले आएगा एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि हम लोग इतना फेमस है। एंड मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आना, एक बार ज़रूर टेस्ट करना और अच्छा लगे तो दोबारा 2-4 जन को और साथ में लेकर आना। थैंक यू। क्या बात है दोस्तों, जैसे आपने सुना सबसे इम्पोर्टेंट थिंग स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जिस तरह से शुरुआत की थी इन्होंने, लॉस फेस करने के बाद में अभी आज के तारीख में पूरे नवी मुंबई में ये इतने फेमस है और खास करके वाशी में। जैसे अभी भाविन आपको पेन भी खुरा दिखाएगा, यहाँ पे इतना रश रहता है कंटिन्यू। अभी तो मैं सुबह सुबह जल्दी आ गया हूँ आज खास इनका छोले भटूरे खाने, क्योंकि बाद में अगर मैं थोड़ा भी लेट करता बहुत यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो दोस्तों देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है और किस तरह से प्रिपरेशन होती है, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो दोस्तों ये है वो खास आइटम जिसके लिए हम आए हैं। ओए होए ओए होए ओए होए, गर्मा गर्म छोले देख सकते हो आप, यहाँ पे तरी ऊपर आ चुकी है, डेट मीन्स इनकी ग्रेवी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। यू सी द थिकनेस, ओए होए, ये इनके छोले। अगर हम छोले की बात करें तो यू कैन सी काफ़ी डिलीशियस, काफ़ी कलरफुल और ये इनकी तरी। ओए होए 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 दोस्तों आज मज़ा आएगा। तो चलो अभी रुका नहीं जाता, देखते हैं इनके भटूरे कैसे बनते हैं और हमारी प्लेट लेते हैं और खाते हैं इसे। ये बन रहा है इनका गोल गोल भटूरा। ओए होए ये गया तेल में, ये दूसरे की तैयारी है। गोल 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 बड़े 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 भटूरे फूलने वाले हैं। अभी भाविन हमें दिखाएगा ये एग्जैक्टली किस तरह से फ्राई हो रहे हैं। भाई बड़े 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 देखना अभी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, ये देखना अभी फूलता कैसे है। फाइनली ये भटूरा फूल गया बड़ा मेरे मुंह के जैसा, मेरे पेट के जैसा, क्या बात है। दोस्तों टेस्ट करते हैं और इनका जानते स्वाद कैसा है। सो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं मेरे छोले भटूरे गर्मा गर्म, देखते हैं। और पहले तो इसे ये गर्मा गर्म ये भटूरे को करते हैं ब्रेक। अब तो रहा नहीं जाता भाई इनका भटूरा टेस्ट करने। आज ये आप देख रहे हैं ऊपर क्रीम भी मारा हुआ है। ये चम्मच कहाँ गई मेरी, ये चम्मच है। ओए होए गर्मा गर्म, इसके अंदर आलू भी है। और फाइनली ये पाजीज छोले भटूरे जा रहा है मेरे पेट में। मैं नवी मुंबई से बिलोंग करता हूँ, जब सुबह सुबह हम लोग आते थे ना यहाँ पे, तो स्टेशन जाना है फैमिली के साथ भी अगर कहीं पे जाना रहता है तो हम लोग यहाँ पे छोले भटूरे खा के ही जाते थे। इनको लोग सर्व करते हैं यहाँ पे अनियन और ये इनका पिकल के साथ में ये अचार। हाँ हाँ वही टेस्ट, बचपन की याद दिला दी इन्होंने, क्या बात है क्या बात है। और एक बाइट बनता है। दोस्तों इनका स्पेशलिटी जो है ना वो है इनकी सिंप्लिसिटी और साथ ही साथ में जो इनके मसाले आए हैं इस पर। छोले भटूरे बनाने का अपना एक तरीका रहता है, लाइक नॉर्मली हमने काफ़ी सारे जगहों पे छोले भटूरे खाए, ऑब्वियसली आपने भी खाए, लेकिन आई विल रेकमेंड यू तो एक बार आके इनका टेस्ट करना तो आपको समझ जाएगा कि बॉस क्यों इतना फेमस है, क्यों इतनी गर्दी होती है यहाँ पे।
मजा आ गया। कांदा वंडरफुल डे। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि इन केस अगर ये मेरे छोले यहाँ पे कम हो गए या ख़त्म हो गए और मुझे और खाने हैं तो दोस्तों ये लजीज वाले छोले मुझे कंटिन्यू मिलते रहेंगे जितने चाहिए उतने विदाउट एनी कॉस्ट। सरप्राइज बनाया।